This video is sponsored by V-Card. विजय, अब अनंत विजय की बारी है। अनंत विजय, दो मुद्दे हैं, पहले किस पर बोलना चाहेंगे? पहले ईवीएम पर बोलना चाहेंगे या पहले मुख्यमंत्री क्या सोचकर बीजेपी चुन रही होगी इस पर बोलना चाहेंगे? अनंत विजय बोलिए। मानक जी, मुझे लगता है कि पहले मैं वोट पर बोलना चाहूंगा। वोट पर बड़ी चर्चा हुई कि कांग्रेस पार्टी को इतने करोड़ वोट मिल गए और फिर भी उनको सीटें कम मिली। मेरे सामने अभी 2018 के कांग्रेस पार्टी के आंकड़े हैं। 1,55,596 वोट मिले थे कांग्रेस पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी को 1,56,43 मिले थे, जिसमें आधा परसेंटेज भी वोट का ज्यादा था भारतीय जनता पार्टी का। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी को सीटें कम आई थी। तो ये जो लॉजिक होता है, उसमें से भी अगर तेलंगाना का वोट निकाल दीजिए तो वो जो 4 करोड़ वाली फिगर है उसकी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। तेलंगाना में कांग्रेस का वोट परसेंट बहुत ज्यादा है, बीजेपी का वोट परसेंटेज बहुत कम है। इस लिहाज से संख्या में अंतर और चारों जगह हमको के साथ मन को जगाओ V-Guard वाटर हीटर्स के संग V-Guard एक साथ जोड़ के जनता के सामने प्रस्तुत करना, मुझे लगता है कि एक सच्ची और समग्र तस्वीर नहीं है। जनता को इस बात का अनुमान भी होना चाहिए और अंदाजा भी लगाना चाहिए कि चारों राज्यों के चुनाव परिणाम अलग अलग करके उसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से थोड़े बहुत 1-2 लाख वोट आगे पीछे, अगर आप पिछले बार चुनाव में देखिए तो कांग्रेस और जैसा मैंने पहले बताया कि बहुत अंतर है दोनों के वोट में। भारतीय जनता पार्टी को वोट के नंबर्स ज्यादा था पर सीटें कम थी, कांग्रेस के पास नंबर्स कम थे पर सीटें अधिक थी। तो इसको किसी राजनीतिक आधार तो बनाया जा सकता है, पर जैसा संजय जी कह रहे थे कि इसको प्रामाणिक आधार, मतलब जिस प्रमाण की बात संजय जी कर रहे थे, मैं भी उसी प्रमाण की बात कर रहा हूं कि इसको प्रामाणिक आधार नहीं माना जा सकता कि इसके वोट आपके ज्यादा है तो जरूरी है कि आपके सीट भी ज्यादा ही हो जाए। रही बात ईवीएम की, तो ये मुझे बड़ी हास्यास्पद सी दलील लगती है कि हिमाचल में, कर्नाटक में और तेलंगाना में ईवीएम ठीक से काम करते हैं, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जीतती है वहां ईवीएम गड़बड़ी हो जाती है, वहां हैक हो जाता है, वहां उनके उनके प्रोग्रामिंग में दोष हो जाता है। ये थोड़ी सी मुझे लगता है कि थोड़ी ज्यादती है चुनाव आयोग के साथ। अगर किसी भी पार्टी का राजनेता या किसी भी पार्टी का नेता चुनाव आयोग पे आरोप लगाता है तो मुझे याद पड़ता है 2017 या 2018 में चुनाव आयोग ने एक बैठक बुलाई थी, वहां पर कोई जाके वो साबित करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन देने के लिए भी नहीं पहुंचा। तो टेलीविजन चैनलों पर और सार्वजनिक सभाओं में किसी संवैधानिक संस्था पर बगैर किसी प्रमाण के आरोप लगाना, मुझे लगता है उनके साथ थोड़ी ज्यादती है। इस पर विचार करना चाहिए गंभीरता से कि हम ऐसे आरोप क्यों लगाते हैं। दूसरी बात जो आपने पूछी, दूसरा प्रश्न आपने मुख्यमंत्रियों के बारे में पूछा और आपने कांग्रेस पार्टी की एक प्रवक्ता का के कुछ ट्वीट्स के बारे में बताया, पर उनके ट्वीट्स बड़े लंबे हैं। उन्होंने हम लोगों को, आपको भी और हमको भी जो पत्रकार है, उनको कुछ सजेशन दिया। पुरानी पत्रकार है तो उनका प्रेम जाग जाता है, जैसे जैसे प्राइम टाइम आता है ना तो वो जगने लगता है कि आज हेडलाइन पता ही डालू। तो मुझे लगता है, और लेकिन उस ट्वीट का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो आखिरी पंक्ति है उनकी। वो आखिरी पंक्ति में ये कहती हैं सारे हेडलाइंस सुझाने के बाद कि सोचा बताता चलूं, कांग्रेस के जमाने में ऐसा आप लोग करते थे तो आप शायद भारतीय जनता पार्टी के जमाने में भी करेंगे। तो वो हेडलाइन नहीं बता रही है, वो अपनी अपनी राजनीति कर रही है, इसलिए उनको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं और राजनेता उनको राजनीति करने का अधिकार है, वो करें। रही बात मुख्यमंत्रियों को, तो अभी चुनाव परिणाम के एक ही दिन हुए हैं और आप याद करिए उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लंबा समय लिया था, और दूसरी बार जब मुख्यमंत्री बनने थे तो मुझे लगता है कि इस बार भी चूंकि जेनरेशनल चेंज होने वाला है बीजेपी में, अभी जैसा विनोद भाई कह रहे थे कि अटल जी के जमाने के सब नेता हैं, तो ठीक कहा उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी भी अटल जी के जमाने के ही नेता हैं, लेकिन
अब क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, चूंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2047 उनके लक्ष्य पर है, तो 2047 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व तो कैसा होगा उसकी संरचना की जा रही है। आप देखें तो अपेक्षाकृत तौर पर युवा लोगों को मौका दिया जा रहा है, जो 20 साल से मुख्यमंत्री है उनके अनुभव का हो सकता कहीं और लाभ लिया जाए, या हो सकता उनको वहीं छोड़ दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी में मोदी और शाह के समय में, मैंने अभी एक ट्वीट किया थोड़ी देर पहले और कल भी मैंने आपको यही कहा कि जो भी अनुमान होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी अवधारणाओं पर आधारित होती है। हमारा अपना सोच जो होता है वही हमारे सूत्रों के रूप में प्रकट होता है, और सूत्र इतनी मार खा चुके हैं पिछले 9 साल में, इतनी पिटाई हो चुकी है सूत्रों पे, लेकिन सूत्र है कि रुकने का नाम ही नहीं देते हैं। कभी कभी कोई कुछ बता देता है, कभी कोई किसी को मुख्यमंत्री बना देता है, कभी वसुंधरा जी के घर पर सूत्र 70 विधायकों को पहुंचा देता है और दूसरा सूत्र उसको 28 कर देता है। तो ये समझ नहीं आता कि सूत्रों में भी आपस में एक मत नहीं है। इसका एक अंतिम निचोड़ ये है कि सूत्रों की राजनीति कांग्रेस के जमाने में होती थी, जब कैबिनेट की बैठक में बैठ के मंत्री वहां से सब हम लोगों को संदेश भेजा करते थे। यहाँ तो कैबिनेट मंत्री मोबाइल अंदर ही नहीं ले जा पाते हैं बेचारे, तो वो संदेश क्या भेजेंगे। और इस प्रकार का एक अनुशासन यहाँ मंत्रिमंडल में दिखाई देता है। और हाँ, अभी कुछ देर पहले मैं थोड़ी देर पहले समाचारों में देख रहा था कि मंथन हो रहा है, चैनलों पे भी चल रहा था कि इन सज्जनों के बीच मंथन हो रहा है कि मुख्यमंत्रियों पर मंथन हो रहा है। भैया, मुख्यमंत्रियों के नाम तय करने के लिए एक ही आदमी काफी है, वो नाम तय कर देंगे, उनके आईपैड से प्रिंट आउट निकलेगा और वो चला जाएगा और उसको सब जगह से सर्वसम्मति मिल जी जाएगा। इस बात को मानना कि नरेंद्र मोदी जी सर्वोच्च नेता है, वो जो तय कर देंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अभी अलका जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार ने पलट दिया चुनाव आयोग के समय में। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 5 जज की बेंच ने कहा था, इन एब्सेंस ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं। उसके बाद उस पूरे फैसले को पढ़ा जाना चाहिए, कोई रूल रेगुलेशन पहले था ही नहीं, इसलिए पलटने का सवाल ही नहीं होता। और रूल एंड रेगुलेशन बनाने का काम संसद का है, इसलिए संसद ने वो 23 में वो बिल पेश किया है और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्ट सजेस्ट किया था और उसकी अगली ही पंक्ति में ये कहा था कि इन एब्सेंस ऑफ द रूल एंड रेगुलेशन केंद्र को इस पर विचार करना चाहिए। ओके संजय जी, संजय जी मुझे पता है क्योंकि आपका जो एक्सपर्ट डोमेन है वो इलेक्शन के जनादेश को एनालाइज करना है, और मुझे पता है कि 3 दिन हो गए अब आपने जनादेश को अच्छे से पढ़ा है और उसका विश्लेषण भी किया है। आपने एक ट्वीट भी किया था जिसमें आपने कुछ सीटों। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वी कार्ड।